हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लाइटिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास एक सेट आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है रियलमी C2। इसका RMX नंबर मैं आपको बता रहा हूँ और पीछे दिखा दे रहा हूँ ये, और अगर आप देख पा रहे होंगे मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो ये मैं आपको दिखा दूँ, RMX 1941 करके है दोस्तों। और इसमें लगा हुआ FRP लॉक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड बैक चला जाता हूँ। एंड जस्ट बैक के जाने के बाद सिंपली मैं फिर से शुरू से आपको दिखाता हूँ, एटलीस्ट आपको कंफर्म हो जाए कि क्या करना है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर, कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड अगेन कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड स्किप के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। एंड जस्ट आप देखेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा दोस्तों, एंड डोंट कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जस्ट डोंट कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा दोस्तों, नेट का इशू है। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी स्किप का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर बॉक्स के, बिना किसी ईमेल आईडी, बिना OTG के एकदम सिंपल वे में एक न्यू ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप वन क्लिक में आप इसका FRP बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें अभी से। वीडियो लाइक करने के बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या करना है। सिंपली आप चले जाएंगे बैक एंड बैक एंड बैक, बैक जाने के बाद सिंपली यहाँ चले जाइए इमरजेंसी कॉल पे। जस्ट यहाँ पे आपको टाइप क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो *812, ध्यान रहे दोस्तों, ये है इसका कोड, एक्चुअल कोड यही है दोस्तों। एंड जस्ट टाइप कर देना हैज और सिंपली आपको कॉल के बटन पे क्लिक कर देना, ध्यान रहे *812#। अब कॉल के आइकन पे क्लिक नहीं भी किया आपने, फिर भी कोई इशू नहीं, आपके फ़ोन FRP बाईपास हो चुका है, आपके फ़ोन का FRP लॉक टूट चुका है। जस्ट देखिए, ये देखिए, बट प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, आप लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि इस फ़ोन में चाइनीज़ लैंग्वेज हो जाती है, इससे बाईपास तो आपका सिंपल वे में एंड 100% हो जाता है। बट प्रॉब्लम यही आती है कि आपके फ़ोन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके फ़ोन में लैंग्वेज चाइनीज हो जाती है। तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा, सिंपली सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं, मे बी इस तरीके से पता तो मे बी लग नहीं पाएगा, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कि हो जाए। लैंग्वेज पे क्लिक, यहाँ पे ए पे क्लिक करा मैंने एंड जस्ट इस पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पर दे रहा है। नहीं दोस्तों, सिंपली और एंड जस्ट आपको क्या कर देना, सिंपली ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया दोस्तों, सिंपली आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर देना है एंड जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे एंड जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे। जस्ट आपका देखिए, आपके फ़ोन में FRP लॉक बाईपास करने के बाद सिंपली आपकी लैंग्वेज हो चुकी है इंग्लिश में, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। वीडियो अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो वीडियो को में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा विद इन 15 मिनट, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।